दोस्तों, हाल ही में इंडियन रेलवेज ने एक ऐसा टारगेट सेट किया है जिसके बारे में जानकर आप भी चौंक जाओगे, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि अगले साल यानी कि 2024 में इंडियन रेलवेज के द्वारा 500 नई वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा। पर मैं आपको बता दूं कि अभी तक इंडिया में केवल 34 वंदे भारत ट्रेन को ही लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछली बार ये टारगेट सेट किया गया था कि 2023 में टोटल 75 वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अभी तक इंडिया में हमें टोटल 34 वंदे भारत ट्रेन ही देखने को मिली है। और 2023 में 75 वंदे भारत ट्रेन के टारगेट का पूरा ना होना सप्लाई चेन की कमी को भी बताया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वंदे भारत ट्रेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ कंपोनेंट की जरूरत होती है जिनको अभी फॉरेन कंट्रीज में से इम्पोर्ट कराया जाता है, लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच होने वाले वॉर के कारण इंडिया को आने वाली जो सप्लाई थी वो रुक गई थी। और ऐसा बोला जा रहा है कि इसी कारण 2023 में 75 वंदे भारत ट्रेन का टारगेट पूरा नहीं हुआ। पर अगर बात करें 2024 के 500 नई वंदे भारत ट्रेन के टारगेट के बारे में, तो दोस्तों यहां पर खुद इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के जनरल मैनेजर बीजी माल्या के द्वारा ऐसा बताया गया कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा अगले साल यानी कि 2024 में 500 से लेके 550 नई वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया जा सकता है। अब इन सभी 500 ट्रेन में आपको स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा साधारण वंदे ट्रेन, वंदे मेट्रो ट्रेन और नॉर्मल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के जनरल मैनेजर बीजी माल्या के द्वारा बताया गया कि उनका ऐसा प्लान है कि 2023 में आपको टोटल 75 वंदे भारत ट्रेन पटरी पर दौड़ती हुई दिखेगी, जिसमें से 63 वंदे भारत ट्रेन आपको 8 डब्बों वाली देखने को मिलेगी और बाकी की 12 वंदे भारत ट्रेन आपको 16 डब्बों वाली देखने को मिलेगी। वेल, हमें देखना होगा कि 2023 में 75 वंदे भारत ट्रेन बनकर रेडी हो पाती है या नहीं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि 2023 में अब हमारे पास केवल 1.5 से 2 महीनों का समय ही बचा है और उसके बाद हम बात करेंगे अगले साल 500 नई वंदे भारत ट्रेन के बारे में। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।